भाई सब ब्रेड और छोला खा रहे हैं। हम तो वही है नवाब अजली। नवाब अजली नहीं है, नवाब अजली बना दी हो ये खाने वाली चीज हो। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं नसीमुद्दीन खान और आप देख रहे हैं माई यूट्यूब चैनल NHK ब्लॉग। तो भाई जैसे कि आप लोग जानते हो मैं काफी दिन से टूर पर निकला हूँ। गोवा की गलियों में एंजॉय करते हुए हम लोग गोवा में हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और कॉपीराइट ना लग जाए इसी वजह से मैंने वो वाली म्यूजिक को उसको ऑफ किया है, क्योंकि जो है उसमें सॉन्ग चल रहे हैं और वो सॉन्ग चल रहा है सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और हम लोग गोवा सेंट्रल जेल देखने के लिए जा रहे हैं जो अंडर वाटर है, और अभी वहाँ पर चलते हैं और हम लोग गाइड के साथ हैं। गाइड बताएगा कौन कौन सी ये क्या क्या यहाँ हुआ था, क्या कौन कौन सी जगह है, तो आगे वाली वीडियो में वो है और हम आपको दिखाएँगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और हम आपको डॉल्फिन्स भी दिखाएंगे। रखा जाता है और जो नीचे लंबी लाइन में रूम्स हैं उधर लेडीज कैदियों को रखा जाता है। तो अभी जेल के ऊपर में देखो माउंटेन के टॉप पे जो व्हाइट कलर का राउंड पिलर दिख रहा है आपको, मतलब नीचे जो व्हाइट कलर का राउंड पिलर दिख रहा है आपको, व्हाइट कलर का राउंड पिलर, ये पोर्चुगीज टाइम का लाइट हाउस है। फिलहाल ये लाइट हाउस नहीं चलता है तो गोवा गवर्नमेंट ने उसके ही राइट साइड दिल चाहता है कि सुबह छुट्टी हुई है। तो अभी बोर्ड की लेफ्ट साइड में, बोर्ड की लेफ्ट साइड में जो पूरा का पूरा ओपन सी दिख रहा है आपको, ये अरेबियन सी है, अरब सागर। जो भी कोई बड़े जहाज गोवा में आते हैं वो इसी रूट से आते हैं। तो अभी बोट की राइट साइड में देखो, बोट की राइट साइड में, बोट की राइट साइड में जो माउंटेन के ऊपर आपको पैलेस दिखाई पड़ रहा है, उस पैलेस का नाम है डायमंड मर्चेंट बंगलो। लोग उसे जीमी पैलेस भी कहते हैं। करीब 30 साल पहले जब एक स्मगलर गोवा में आया था, स्मगलर का नाम था जीमी गाजदार, तब ये बंगलो उसने बनाया था। और करीब 30 साल पहले इसकी कीमत थी अबाउट 85 करोड़। ये बंगलो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है और इसमें अंडरग्राउंड 16 रूम है। और इसी पैलेस में गोविंदा की फिल्म हसीना मान जाएगी मूवी की शूटिंग हुई है। इस पैलेस में हसीना मान जाएगी मूवी की शूटिंग हुई। अभी पैलेस के ऊपर में देखो, एकदम टॉप पे जो व्हाइट कलर की बड़ी सी चर्च है, व्हाइट कलर की चर्च, उस चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च। उस चर्च का नाम है सेंट लॉरेंस चर्च। पोर्चुगीज टाइम की ये चर्च करीब करीब 400 साल पुरानी है। ये चर्च करीब 400 साल पुरानी है और इसी चर्च के सामने शाहरुख खान की फिल्म जोश मूवी की शूटिंग हुई है। इस चर्च के सामने शाहरुख खान की फिल्म जोश मूवी की शूटिंग हुई है। तो अभी बोट की राइट साइड में देखो, बोट के ठीक राइट साइड में, बोट के राइट साइड में जो किनारे पे आपको माउंटेन दिखाई पड़ रहे हैं, उस माउंटेन पे व्हाइट और रेड कलर का पैलेस है, व्हाइट और रेड कलर का। ये है गोवा का गवर्नर पैलेस, गोवा का गवर्नर पैलेस यही है। ये पैलेस मेन गेट से 3 किलोमीटर अंदर है और उधर किसी को जाने की परमिशन नहीं है। जो भी कोई पानी में ट्रेवल करता है वो पैलेस उसको ही दिखता है। और जो प्रेजेंट गवर्नर है गोवा की, जो उसमें रहती है, उसका नाम है मृदुला सिन्हा और उस प्लेस का नाम है दोना पावला। गोवा का फेमस प्लेस है और उस प्लेस का नाम है दोना पावला। एक दूसरे के लिए Hey, get in. Hey.
तो फिलहाल गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग डॉल्फिन मछली भी देख चुके हैं और अंडर वाटर जेल भी देख चुके हैं और हम लोग निकल रहे हैं फिर मड़गांव के लिए। मड़गांव से उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ूंगा, मुंबई जाऊंगा, क्योंकि जो है यहाँ महफूज मलिक जो हमारे दोस्त हैं वो 2 दिन की छुट्टी लिए हुए थे और छुट्टी उनकी हो गई पूरी और ये यहीं पे जॉब करते हैं, तो मैं उनको डिस्टर्ब ज़्यादा नहीं करना चाहता। नेक्स्ट टाइम आऊँगा गोवा तो फिलहाल देख लूँगा, घूम लूँगा। बहुत ही अच्छी जगह है गोवा घूमने के लिए, तो प्लीज़ जब भी आएँ तो इस पैलेस के पास ज़रूर आएँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से बोट से देखते हुए और बीच समुद्र में, मतलब एकदम मज़ा ही आ जाता है। तो महफूज मलिक मेरे साथ दिए हैं 2 दिन से और मैं गोवा का ब्लॉग पूरा नहीं कर पाया हूँ, जो कि मेरे पास जो भी वीडियो थी मैं अपलोड वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं थी, कहने के लिए मेरे DSLR की बैटरी डेड हो गई थी और मैं चार्जर रत्नागिरी में भूल गया था। तो अभी चलूँगा यहाँ से रत्नागिरी से बैटरी लूँगा कैमरे की, उसके बाद जो है जाऊँगा, इसके बाद मुंबई जाऊंगा। तब तक के लिए सब वीडियो में बने रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और हम लोग मछली भी देखें, समुद्री मछली जो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इसी समुद्र में देखे हुए हैं। तो आगे मेरे साथ बने रहें, और भी कुछ वीडियो है जो कि मैं दिखा रहा हूं आपको। तब तक के लिए टेक केयर। आप देख सकते हैं एक फिरंगी है जो कि रेत से कुछ बना रहा है, अपना भी पागलपंती कर रहा है, अपने फैमिली के साथ पागलपंती कर रहा है, रेत से घर बना रहा है, इसको लग रहा है उसके अंग्रेज जो लोग, जब हम साले को पास कुछ है नहीं और रेत से घर बना रहे हैं, पागलपंती कर रहे हैं। देख सकते हैं गोवा में ऐसा देखने बहुत पागल मिल जाएंगे। तब तक लिए हमारे साथ बने रहें। आशा करते हैं मेरी वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लिव लाइफ, लिव ड्रीम। कर लिया ना।